तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आप सभी को बता दें कि बादशाह भाई के लाइव कॉन्सर्ट पर उनके ही फैंस हनी सिंह का नाम लेने लगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हनी सिंह के फैंस ने वहां पर काफी ज्यादा तहलका मचा। तो उन्होंने वहां पर क्या किया आप सभी इस छोटे से क्लिप में देख सकते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं सभी ने देख लिया है कि वहाँ पर बादशाह भाई के लाइव कॉन्सर्ट पर हनी सिंह के नाम के नारे लग रहे थे। एंड हमें ऐसा लगता है कि ये जो हनी सिंह के फैंस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कट्टर फैन होते हैं। फिलहाल तो बादशाह भाई का क्या हाल होगा आप उनके अंदर की फीलिंग समझ ही सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हनी सिंह के एल्बम हनी 3.0 के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि उस एल्बम को लेकर और भी बैड न्यूज आ रही है। मतलब कि जो एल्बम हमें मार्च में देखने को मिलने वाली थी वो तो पहले ही डिले होकर अप्रैल में हो चुकी थी, लेकिन आप सभी को बता दें कि अभी ये एल्बम अप्रैल में भी हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। एंड हमें ऐसा लगता है कि ये एल्बम हमें मई में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सभी को बता दें कि जियो म्यूजिक लेवल में हमारे हनी 3.0 का एल्बम आने वाले है और जियो म्यूजिक कंपनी और स्पॉटिफाई के बीच में काफी ज्यादा झमेला चल रहा है। एंड आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे हनी पाजी ऐसे टाइम में अपने एल्बम को ड्रॉप करते हैं तो वह एल्बम हिट नहीं जाने वाली है, क्योंकि जब तक स्पॉटिफाई में अच्छे खासे स्ट्रीम नहीं आएंगे तो वो एल्बम हिट नहीं जाएगी। मतलब कि यूट्यूब के व्यूज मायने नहीं करते हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म के स्ट्रीमिंग मायने करती हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये झमेला पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही हनी पाजी अपने एल्बम को ड्रॉप करेंगे। तो फिलहाल आप सभी बताएं कि इन सभी अपडेट को लेकर आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सिस्टम में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।